सॉर्ट कर दिए इसको आप। अरे हम इसको जला रहे थे, चर 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 के पता नहीं कहाँ हुआ, फिर जला ही नहीं। चलिए तो जल चुका है। तो ये है अपने पास में अभी P10 डिस्प्ले बोर्ड जो कि DPI में है। ये रेड कलर में है, साइज इसका 12 इंच बाई 6 इंच का आता है और ये 5 वोल्ट में ऑन होता है। लेकिन ये शॉर्ट कर चुका है। कैसे शॉर्ट हुआ है किया है ये फरजान भाई जानेंगे। कैसे शॉर्ट कर दिए इसको आप? अरे हम इसको जला रहे थे, वीडियो और रात को देखे थे, और सुबह जब हम सोचे हो जाएगा अच्छा तो कनेक्शन वनेक्शन किए, उसके बाद पूरा इधर से ये सब जितना है ना, सब 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 को सब सब दम दम चर 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 के पता नहीं कहाँ हुआ, फिर जला ही नहीं। चलिए। तो अभी अगर पहली बार बना रहे हैं ना तो थोड़ा सा मिस्टेक अगर करेंगे तो ये पूरा जल जाएगा। जैसे कि इनका देखिए कितना टाइल जला आपका, चार 4 टाइल यहाँ पे जल चुका है। एक ये कंट्रोलर कार्ड जल चुका है। थोड़ा सा माइनर मिस्टेक, बहुत बड़ा मिस्टेक ये नहीं किया, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हुआ जिसके कारण ये कार्ड जल चुका है। लेकिन आप इस चीज से बच सकते हैं इस वीडियो को पूरा देख करके। तो चलिए यहाँ पे एक बोर्ड अपना नया आ चुका है, इसका हम पहले आपको बता देते हैं। तो ये देखिए ये वाला अपना जो है, ये देखिए ये है SMD मॉड्यूल। ठीक है, SMD मॉड्यूल कैसे आपको समझ में आएगा, यहाँ पे जब नजदीक पे आप देखेंगे तो ये LED इसका फ्लैट टाइप से, देखिए पूरा फ्लैट फ्लैट टाइप से। और ये है DPI, DPI में LED आपका इस तरीके से उठा हुआ रहता है, ये देख रहे हैं आप, ये उठा हुआ LED। तो ये आपका DPI हो गया और ये हो गया SMD। ये आपका ब्राइटनेस बहुत ही अच्छा देता है, बहुत ही हाई ब्राइटनेस रहता है। इसमें ब्राइटनेस थोड़ा सा डिम हो जाता है, लाइफ भी इसका ज्यादा रहेगा, लाइफ और इसका लाइफ थोड़ा सा कम हो जाता है। बाकी बात रेट में भी काफी ज्यादा अंतर हो जाता है इसमें और इसमें। तो ये तो रहा आपका ये चीज का। और ये अपना हम इसको अभी हम इस तरीके से कैसे किए वो अभी आपको इसमें ही करके दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको कैसे सेट करना है, यहाँ पे आपको इस तरीके से सेट करना है। देखिए ये हुआ आपका, ये एरो को देखते हुए जाना है आपको। ये जो एरो आप देख रहे हैं ये एरो को आपको सबसे पहले देखते हुए जाना है। यहाँ से एरो देखिए, दोनों का एरो इधर ही जा रहा है, दोनों का एरो इधर ही जाना चाहिए इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है। और इसको जो है यहाँ पे कॉर्नर टू कॉर्नर पूरा अच्छे तरीके से मिला लेंगे, गैप नहीं इधर सब तरफ से देख करके। देखिए एक बार फिर से आप चेक कर लीजिएगा, एरो यहाँ पे देखिए सबका एरो एक तरफ ही जाने, एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। ये देखिए जितना एरो है सब एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। अब इसको टाइट करने के लिए आप यहाँ पे ACP सीट का यूज कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे सीट रख के और स्क्रू यहाँ पे करना है। स्क्रू जो करना है आपको छोटा वाला स्क्रू यूज करना है, छोटा, इतना बड़ा स्क्रू नहीं, नहीं तो क्या होगा यहाँ पे ऐसे पार होगा और जा करके यहाँ बोर्ड में टच हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसे बोर्ड में अगर टच हुआ तो मतलब आपका डिस्प्ले खराब हो जाएगा, कहीं ना कहीं डैमेज कर देगा। तो चलिए अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप रिक्स मत लीजिए, स्क्रू वाला झमेला ही हटा दीजिए, एक बॉन्ड ले लीजिए, छोटा सा सनबोर्ड ले लीजिए और इस तरीके से यहाँ पे ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करके सिर्फ इसको चिपका दीजिए, ठीक है, ऐसे करके इसी तरीके से यहाँ पे भी आप चिपका दीजिए, ठीक है। मोटा लसन बोर्ड लगाएंगे तो अच्छा खासा मजबूत हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप यहाँ पे ये अपना ऐसे करके चिपक चुका है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये अपना टाइट हो चुका है, ये देखिए टाइट हो चुका है। तो इसी तरीके से हम अभी SMD वाले को हम यहाँ पे टाइट कर लिए हैं, ये रहा अपना। अब यहाँ पे आपको एक चाहिए 5 वोल्ट का पावर सप्लाई, जो कि यहाँ पे 5 वोल्ट का सर्किट है आपका 6 एम्पियर का, ठीक है। तो यहाँ से आपका 5 वोल्ट का सप्लाई निकल रहा है, तो एक जा रहा है यहाँ पे कार्ड में। कार्ड में आप यहाँ पे देखिएगा, नज़दीक से आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे V बना हुआ है, V5V, तो ये हो गया प्लस, ठीक है। यहाँ का जो प्लस वाला वायर जाएगा इसमें जाएगा, और GND यहाँ पे जाएगा आपका ब्लैक वाला वायर, देखिए यहाँ पे डाला हुआ है इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये जैक मिलेगा आपको साथ में, ये जैक को भी आपको रेड ब्लैक देख करके नेगेटिव पॉजिटिव देखते हुए यहाँ पे ऐसे करके ऐड कर देना है। और इसको अब आपको लगाना है ऐसे करके, ठीक, इस तरीके से ऐसे करके जैक में सिर्फ आपको सीधा सीधा लगाते चले जाना है ऐसे करके। और अब आता है ये कार्ड लगाने का बारी, ये फ्लैट केबल लगाने का बारी। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे आप उल्टा सीधा लगाने का ऑप्शन ही नहीं है, जब भी लगेगा ये सीधा ही लगेगा। देखिए जब भी लगेगा ये सीधा ही लगेगा, उल्टा लगने का यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं। तो यहाँ पे यहाँ से शुरुआत करेंगे ना, यहाँ पे एरो को देखिए, एरो यहाँ से इधर जा रहा है,
यहां से शुरुआत करेंगे। तो ये दो पीस जो है, ये दो पीस जो है, ये आपका हो गया कार्ड में लगने के लिए। आपको और लंबा बनाना है, जैसे कि आपको कंटिन्यू करते जाना, तो इसी तरीके से फ्लैट केबल लगाते जाएंगे, आगे बढ़ते चला जाएगा जितना लंबा आपको बनाना है। अब यहाँ पे जो कि मिस्टेक किए थे फरजान भाई, जिसके कारण इनका जो है पूरा का पूरा शॉर्ट कर चुका है, और शॉर्ट होने के बाद में कैसा ये काम कर रहा है वो भी आपको, पहले वही चीज़ आपको दिखा देते हैं कि शॉर्ट करने के बाद इनका कार्ड कैसा काम कर रहा है और ये चीज़ कैसा काम कर रहा है। चलिए यहाँ से हम ये खोल देते हैं और इस जगह पे हम लगाते हैं। अब यहाँ से एक फ्लैट केबल ले लेते हैं और यहाँ पे हम लगाते हैं इसको। चलिए अब इसको हम लाइट दे करके ऑन करते हैं, लेकिन जब इसमें हम प्रोग्रामिंग सेंड करेंगे तो ये वाला काम यहाँ पे नहीं करेगा। ये जैसे कि हम यहाँ से अभी हम प्रोग्रामिंग सेंड करते हैं, ये देखिए, तो ये दोनों लाइन में से कोई सा भी काम नहीं करेगा, ये देख रहे हैं कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे अभी हम आपको पावर देते हैं डायरेक्ट, इसको 5 वोल्ट का पावर यहाँ पे देते हैं, जो ये 5 वोल्ट का पावर है डायरेक्ट अभी यहाँ पे देते हैं, इस तरीके से यहाँ पे लगाते हैं, देखिए। तो बस इसी तरीके से ये काम कर रहा है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे ये बटन होता है छोटा सा, इससे हम जब क्लिक करेंगे, जब सारा चीज़ आपका सही रहेगा तो यहाँ पे पैटर्न चलेगा, एक दो पैटर्न यहाँ पे चलेगा, जो कि यहाँ पे आपका कुछ काम नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं। तो ये कुछ काम नहीं करेगा और आप इस तरीके से परेशान होते रहिए, क्या हो गया क्या हो गया, तो ये आपका शॉर्ट हो चुका है। तो इसका आपका निशानी आप समझ लीजिए, ये मान सकते हैं। तो ये शॉर्ट कैसे किया है वो अब आपको दिखा देते हैं, शॉर्ट होने के बाद कैसा काम करें वो तो आप देख लीजिए, ये शॉर्ट कैसे हुआ वो अब आपको बता देते हैं। इसको हम वापस से यहाँ लगा लेते हैं इस जगह पे, और अब हम इस वाले वायर को खोल करके, ये कार्ड तो आपका डेड हो गया है, कोई यूज नहीं है अब इसका, इसको अब हम यहाँ पे टाइट करते हैं। ये देखिए, ये पूरा टाइट कर दिए। अब लेते हैं फ्लैट केबल, जो कि मिस्टेक यहाँ पे फरजान भाई किए थे। आप क्या किए थे कि इसको ध्यान नहीं दिए थे, जैसे मन वैसे लगा दिया था ना, उल्टा लगा इसको हम दिया। कई वीडियो में बताए हैं कि ये वाले को आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला एक तरफ आपको प्लेन मिलेगा, एक तरफ आपका ऐसे उठा हुआ दिख रहा है, देख रहे हैं ना। इसको आप जब भी लगाइएगा तो यहाँ पे देखिए रीसेट का बटन है, इस जगह पे देखिए रीसेट का बटन है, तो ये वाला जो गड्ढा टाइप का दिख रहा है ये आपका हमेशा रीसेट बटन की तरफ ही रहना चाहिए, जैसे कि ऐसे करके। इसको अगर हम ऐसे उल्टा लगाएंगे तो 100% है कार्ड और ये दोनों आपका शॉर्ट करेगा। तो इसको ऐसे लगाना है, देख लीजिए इस तरीके से ऐसे लगा दिए, एक यहाँ पे, ये पीला वाला में नहीं लगाना है, दोनों ब्लैक वाला में लगाना है, ऐसे करके लगा दिए, ठीक है। अब इसको हम लगा देंगे यहाँ पे जैक में, ये देखिए, और इसको यहाँ पे लगा दिए हम ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके लगा दिए। अपना जो प्रोग्रामिंग सेंड किया हुआ है वो आपका चलने लगा। अब हल्का फुल्का प्रोग्रामिंग आपको भी बता देते हैं इसी वीडियो में, और उससे पहले एक चीज़ और आपको बता देते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे जैक लगाने में समझ में नहीं आ रहा है, उल्टा सीधा लग जा रहा है आपसे, या फिर कोई मिस्टेक आ रहा है, तो एक आपके पास में ऑप्शन है जिससे आपको आप उल्टा सीधा लगाने से बच जाएंगे। सबसे पहले इसका सारा जैक का कनेक्शन खोल दीजिए, ठीक है, खोल दिए। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से ये हम सीधा लगाए हैं, लेकिन अब क्या है कि अब अगर हम उल्टा भी गलती से अगर लगा देते हैं, ऐसे करके देखिए उल्टा लगा दिए, तो क्या होगा, अपना बोर्ड ऑन नहीं होगा लेकिन शॉर्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। उससे पहले क्या करना, आपको यहाँ पे कनेक्शन नहीं देना है, यहाँ से सप्लाई आपको नहीं देना है। इसके बाद में आप यहाँ उल्टा भी अगर लगा देते हैं मिस्टेक से, जैसे कि अभी देखिए आप उल्टा लगा हुआ है ये, ठीक है, तो बोर्ड ऑन नहीं होगा लेकिन शॉर्ट नहीं होगा आपका। इससे आप समझ जाएंगे अपना बोर्ड केवल उल्टा लग रहा है या सीधा लग रहा है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ देखिए सीधा लगाएंगे, जैसे देखिए सीधा लगाएंगे, यहाँ पे ऑन हो गया, ठीक है, आपको हल्का हल्का लाइट आ रहा है। उल्टा लगाते हैं, उल्टा लगाते हैं, ये देखिए उल्टा लगाते हैं, ये ऑन नहीं हो रहा। लेकिन अगर यहाँ पे भी सप्लाई दिए हुए ये वाला लाइट से, और यहाँ पे अगर उल्टा लगा दिए गलती से, तो ये कार्ड भी आपका जाएगा और ये मॉड्यूल भी आपका चला जाएगा। तो उससे पहले आप, अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे पावर ना दे करके पहले यहाँ से आप एक बार चेक कर लीजिए,
तो आप इस चीज से बच सकते हैं। जैसे कि अभी दे दीजिए, सही जल रहा है, इसका मतलब सही है, बिल्कुल सही है वायरिंग अपना। अब इसको दे दीजिए, ये देखिए इसके बगैर भी जलेगा, यहाँ इसके बगैर भी जलेगा, लेकिन ब्राइटनेस देखिए कितना कम है, क्योंकि ये अभी फ्लैट केबल से यहाँ पे कार्ड में सप्लाई आया और फ्लैट केबल से यहाँ पे सप्लाई आ रहा है। अब देखिए अभी हम जैसे यहाँ पे जैक लगाएंगे, देखिएगा ब्राइटनेस कितना बढ़ेगा, देखिएगा ये देखिए, देखिए ब्राइटनेस कितना बढ़ा, क्यों? क्योंकि अब इसको जो सप्लाई मिल रहा है, ये सप्लाई आपको डायरेक्ट 5 वोल्ट का यहाँ से मिल रहा है। तो इसको इस तरीके से भी लगा लेते हैं और प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत आपको दिखा देते हैं इस वीडियो में, ताकि आपको प्रोग्रामिंग में भी दिक्कत ना आए। तो ये है अपना रेडीमेड वाला कैबिनेट, ये देखिए पीना का आता है, इसको रेडीमेड कैबिनेट में हम इसको सेट करते हैं। और अगर आप इसको कैबिनेट आपके पास में रेडीमेड नहीं मिल रहा है और आप बनाना चाहते हैं खुद से, तो उसका वीडियो भी अपने चैनल पे डाला हुआ है, एक बार चैनल विजिट कर लीजिएगा। और चैनल पे नए हैं ना, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अपने चैनल पे आपको साइन बोर्ड से रिलेटेड सारा वीडियो मिलेगा, चाहे सीएनसी मशीन का हो या फिर लेजर मशीन का मेंटेनेंस हो या फिर कोई सा भी वीडियो अपने साइनेज से रिलेटेड, डिजाइनिंग वगैरह सारा चीज़ आपको मिलेगा अपने चैनल पर। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इस तरीके से इसको टाइट कर देना है, तो इस तरीके से यहाँ पे टाइट कर देना है और ये आपका बोर्ड बन करके रेडी हो गया। और इसके बाद में अब आपको दिखा देते हैं डिजाइनिंग, इसका प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तो अब आ जाते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, यहाँ पे देखिए एलईडी आर्ट, ये वाला एलईडी आर्ट आपको ऐप स्टोर में भी मिल जाएगा और प्ले स्टोर में मिल जाएगा। इसको ऐसे करके ओपन कर लेना है। उससे पहले आपको यहाँ से वाईफाई में चले जाना है, वाईफाई में चले गए, वाईफाई ऑन करेंगे और इस जगह पे अभी आपका ये देखिए W2 यानी कि 2 लाइन का कार्ड लगा हुआ है। कुछ इसी तरीके से आपका नाम यहाँ पे आएगा, W04 हो, जितना लाइन का कार्ड लिए हैं उतना लाइन का यहाँ पे नाम शो करेगा। तो इसको क्लिक कर देना है आपको और इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। फर्स्ट बार अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका पासवर्ड आएगा 8888 टाइम, ठीक है। लेकिन ये पहले हम लोग कनेक्ट कर चुके थे, पासवर्ड का ऑप्शन अभी नहीं आया। फर्स्ट बार अगर आप करेंगे तो 8888 टाइम आपका पासवर्ड यहाँ पे डालना होगा, तब जा करके ये कनेक्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए ये अपना कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे चले आना है, यहाँ पे आपको स्क्रीन सेटिंग करना है। स्क्रीन सेटिंग में आपको करना क्या है कि कितना टाइल्स आप लगाए हैं उसके हिसाब से यहाँ पे आप साइज डालेंगे, जैसे कि अभी आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देखेंगे आप, तो ये अपना टाइल है कि यहाँ तक 6 इंच का है ना, यहाँ तक, और यहाँ आया 12 इंच तक का, ये देखिए यहाँ से यहाँ। तो यहाँ से यहाँ एलईडी आप गिन लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे जब गिनेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये आएगा 16 पीस आएगा, और यहाँ से इधर 12 इंच के तरफ में जब आएंगे तो 32 इंच आएगा। ऐसे आया 16, ऐसा आया 32। तो इसी तरीके से आप डिस्प्ले को आप काउंट कर लेंगे कितना पीटन लगा हुआ है आपका। तो यहाँ पे अपना 2 लाइन लगा हुआ, मतलब 16 दूनी 32। तो देखिए हाइट में हम डाल दे रहे हैं, तो विड्थ में हाइट में डाल दे रहे हैं 32, और ये हो गया विड्थ आपका। ये 12 इंच के तरफ जो हुआ वो आएगा आपका विड्थ में। तो यहाँ पे आपका 32 इंटू कितना हुआ, 32 इंटू 2 कितना हुआ, 64। यहाँ पे हम 64 डाल दिए, अब आ जाना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सेंड कर देंगे, ठीक, इसको जब सेंड करेंगे तो आपका साइज ले लेगा, देख रहे ना, ये अपना चलने लगा। इस तरीके से आप यहाँ पे जब भी आप चेंज करना चाहते हैं, जो भी नाम आप चेंज करना चाहते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन आता है, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब फॉन्ट का साइज भी आप घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 45 है, अगर एक लाइन में चलाना चाहते हैं डिस्प्ले में एक ही बार, चार है कि आप एक बार में आए, तो पहले यहाँ पे आइए और इस जगह पे आप आ जाइए, इस पे फॉन्ट रुका हुआ आएगा आपको। अब यहाँ पे आप फॉन्ट इस तरीके से सेट करिए, ये देखिए ये अपना सेट हो गया। इस जगह से फॉन्ट आप बोल्ड कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे तो फॉन्ट का कई सारा ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से फॉन्ट आप ले सकते हैं। अब इसको सिंपल कर देते हैं सेंड, ये देखिए ये आ गया ना। तो जब आपका डिस्प्ले के अंदर भर में लेटर आ जाता है, तो आप यहाँ से क्या करिएगा, इस जगह पे आइए और यहाँ पे ले लीजिए रेंडम। रेंडम में यहाँ जितना डिजाइन, जितना भी फंक्शन है, सब बारी बारी करके यहाँ पे आपका आते रहेगा एक एक करके, तो रेंडम में यहाँ पे ले लेंगे। ये कब लेना है, जब आपका डिस्प्ले के अंदर में पूरा वर्ड आ जा रहा, तब रेंडम में इसको सेंड करना है। जैसे कि देख लीजिए, अब बारी आता है, एक चीज़ और आपको बता देते हैं, इससे पहले आप देखेंगे कि अपना बोर्ड 2 लाइन में चल रहा था, 2 लाइन में कैसे करेंगे उसको भी आपको दिखा देते हैं। तो देखिए 2 लाइन करने के लिए करना क्या है, यहाँ प्लस का आइकन दिख रहा है आपको, प्लस के आइकन पे इसे क्लिक करना है
और यहाँ पे आपको टेक्स्ट में चले जाना है। टेक्स्ट में चले गए, ठीक है, एक पेज ऊपर में और आ गया, पहले से एक पेज था जिसमें माज लिखा हुआ है, दूसरा पेज यहाँ पे और आ गया। तो यहाँ पे आपको जिधर से आपको जितना एरिया में आप डिवाइड करना चाहते हैं उतना एरिया में आपको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम ऊपर से नीचे में भी इसको डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, कितना एरिया में आप माज लिखना चाहते हैं और कितना एरिया में क्या लिखना चाहते हैं, इस तरीके से जितना पेज आप चाहते हैं उतना पेज ले सकते हैं। जैसे कि एक ले लिया हम यहाँ पे, एक पेज और ले लेते हैं, ये देखिए एक पेज और आ जाएगा अपना यहाँ पे, सॉरी देखिए ये अपना एक पेज और आ गया, ठीक है। तो ये देखिए एक पेज यहाँ है, एक पेज यहाँ है, एक पेज यहाँ है। तो जितना पेज आप यहाँ पे लेना चाहते हैं अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये पेज लिए, इसको यहाँ सेट कर दिए, ये देखिए, फिर ये पेज लिए, इसको सेलेक्ट करके यहाँ सेट कर दिए, ये देखिए अभी आपका तीन चीज हो गया। अब इसको सेंड करके देखिए, यहाँ पे ऐसे करके सेंड करेंगे वहां पे चेंज हो जाएगा। देखिए एक में यहाँ पे अलग डिस्प्ले है, यहाँ अलग डिस्प्ले है, यहाँ अलग डिस्प्ले है, तीन हो गया यहाँ पे डिवाइड। चलिए अब इसको हम एक को हम अभी फिलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं, इसको हम डिलीट कर दिए यहाँ से, ठीक है। अब दो पेज लेते हैं, इसको यहाँ से यहाँ कर दिए और इसको जो है यहाँ से यहाँ कर दिए, ठीक है। अब फर्स्ट वाला को लिए हम, यहाँ पे माज लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अब सेकेंड वाला को लिए, नीचे कुछ और लिखना है तो नीचे कुछ और कर देते हैं, ठीक है, ये फरजान लिख देते हैं। तो मान लीजिए मास एक बार में आपका आ जा रहा है, फरजान में स्पेलिंग ज्यादा हो जा रहा है तो एक बार में नहीं आ रहा है यहाँ पे डिस्प्ले में, तो यहाँ से साइज छोटा करते जाएंगे, यहाँ से देखिए आ गया, लेकिन बहुत पतला पतला फॉन्ट आ रहा है, थोड़ा बोल्ड चाहिए तो इसको यहाँ से ऐसे बोल्ड कर देंगे, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये वाला तो अपना रेंडम में चल जा रहा है लेकिन इसमें वर्ड ज्यादा आ गया तो एक बार में डिस्प्ले में सेट नहीं हो पा रहा, तो इसको क्या करेंगे, कंटिन्यूअस मूव लेफ्ट कर देंगे या मूव लेफ्ट राइट कर देंगे, ये कर दिए। अब इसमें बॉर्डर आ रहा है तो बॉर्डर सही नहीं लगेगा इसमें, तो बॉर्डर को यहाँ पे हटा देंगे। चलिए बॉर्डर हट गया, अब इसको हम यहाँ पे स्पीड आप 20-25 का रखेंगे, स्पीड जो है 20 से 25 का रखेंगे तो आपका सही सही रहेगा स्पीड। यहाँ से लेते हैं स्पीड, सॉरी एक बार यहाँ से स्पीड लेंगे 20-25 का, स्पीड में आपका ठीक ठाक चलता है, अभी बहुत फास्ट चल रहा है। देखिए जितना स्पीड बढ़ाएंगे उतना स्पीड यहाँ पे घटते जाएगा, तो 25 का स्पीड रखें और यहाँ पे हम सेंड कर दिए, ये देखिए ये हो गया ना आपका, ऊपर में माज लिखा हुआ आ रहा है रेंडम में, बारी बारी चेंज होते आएगा और यहाँ पे नीचे वाला नाम आपका स्क्रोलिंग हो रहा है। तो देख लीजिए पूरा बोर्ड अपना ऑन हो चुका है, कैसा लगा, अब समझ में आया पूरा? हाँ, अब पूरा अच्छे से समझ गए हैं। एक बार और अभी हम इसको कल फिर से बनाएंगे, अच्छा हमको लगता है कल एकदम अच्छे से ही बन जाए। तो ये क्या किए ना कि वीडियो रात में देखे और सुबह बनाने बैठे, अगर आप फर्स्ट बार बना रहे तो वीडियो को प्ले करते रहिए, सामने बैठ करके बनाते रहिए, देखिए आपसे दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, और एक सर अपने भी है यहाँ पे बैठे हुए, आप भी पूरा लाइव देख लिए ना, पूरा देख लिए और प्रधान भाई के गलती से आज पूरा सीख भी लिए, मतलब इनका गलती से आप सीख लिए ना, और आप लोग भी बहुत कुछ सीखेगा ना, नहीं होगा ना, अच्छा। तो चलिए आप लोग ऐसा गलती किए कि नहीं किए पहले कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपना वीडियो देख देख करके कौन कौन है जो अपना डिस्प्ले बोर्ड बना चुके हैं वो भी कमेंट में बताइएगा, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कीजिए, और इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ये अगर रेडीमेड लेना चाहते हैं तो इस वाले नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, रेडीमेड बना करके आपको भेज देंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द कुछ नए वीडियो साथ में, जब तक के लिए टेक केयर।